तुम पागल तो नहीं हो गई? जानती हो ना इसका मतलब? जानती हूँ। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? आंटी गुस्सा करेंगी, हमसे नाराज होंगी, लेकिन उसके बाद मान जाएंगी। कुछ चीजें कभी मुमकिन नहीं हो सकती। मुमकिन होती हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं अहमद, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते ना। मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन अहमद, दूर रहने से गलतफहमियां फासले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तुम जानती हो ना घर वापस आने के लिए क्या क्या शर्त रखी उन्होंने, कि मैं तुम्हारे बगैर वापस आऊं। ओह, आप लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी लेट हो गए ना? जी वो दरअसल अहमद कह रहे थे। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं मतलब था कि तुम लेट क्यों है, बल्कि अच्छा आउटिंग के लिए गए, फ्रेश फील कर रहे होगे। जी थकी तो नहीं? तुम्हें पता है शुजात बहुत परेशान है तुम्हारे बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं थके, बल्कि वो तो कह रहे थे जाकर बेडरूम चेक करो वरना फिर कॉल करो उनको। नहीं हमें आए हुए तो काफी देर हो गई है, हम जब आए थे तो सकीना बीबी ने बताया कि आप लोग अभी अभी डिनर करके आए, तो अहमद ने कहा कि आप लोगों का अभी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, इसलिए। बच्चे वालदेन को कब डिस्टर्ब करते हैं? जी ठीक कह रही है। अच्छा लगता है ना खूबसूरत नए रिश्ते बनाना। जी अच्छा, आप एक काम करें कि आप डैड को इन्फॉर्म कर दें हम लोग आ गए, नहीं तो वो परेशान होकर खुद ही नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो। और हिबा जी, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे खफा हो? नहीं मैं आपसे क्यों खफा होंगी? क्योंकि इस पूरे मसले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अहमद और तुमको हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर ऐसा कुछ है भी नहीं तो हमारे पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तो वाकई मुझसे खफा है, लेकिन इस चीज का अंदाजा शुजात को क्यों नहीं? शुजात से बात करती हूँ। नहीं शायद ऐसा करने से अगर शुजात ने हिबा से बात कर ली तो फिर तो वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचेगी। क्या हो गया? मैं इसीलिए तुम्हें किचन में जाने से मना कर रहा था, मैं तुम्हें वहां से लेके आया और तुम यहाँ शुरू की। बैठो। तो क्या हुआ? तुम्हारा मेरे लिए कंसर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ से बनी हुई चाय। मैं तो सोच रही थी कि चाय पी के तुम्हारे सर का दर्द कम हो जाएगा, ये तो पहले ही कम हो गया। बाय द वे चाय बहुत अच्छी है। थैंक्स। हिबा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तुम मुझे कहते हो कि मैं स्ट्रेस ना लूं, पहले खुद तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो। तुम छोड़ दोगे ना तो मैं खुद रिलैक्स हो जाऊंगी, और यकीन जानो अहमद, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच। मगर मुझे तो नहीं है। अरे वो क्यों? क्योंकि तुम मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीने के बजाय फालतू बातों में वक्त जाया कर रहे हो। अच्छा मतलब ये फजूल बात है? हाँ। वो शहजाद, शुजात तो चले गए हैं जॉब पे। हमारे रास्ते जुदा करके आपने सोच कैसे लिया कि हम साथ जाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया शहजाद, मैंने हमेशा आप लोगों की भलाई। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। बाय द वे आपका नाम क्या है? व्हाटएवर एक्स वाई जेड। एक बात मैं आपको बता दूं, डैड की लाइफ में एंट्री आपने अपनी मर्जी से लिया है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपकी हुक्मरानी हम पर भी हो जाए। और अगर डैड ने मुझे आपको कबूल करने पर मजबूर किया तो मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी शहजाद, आपकी तरबियत शुजात ने की है। और शट अप, मैं कौन हूं, क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए ये प्लीज आप मुझे मत बताएं।
भाई, भाई आपने प्रॉमिस किया था ना, और आप फिर इनसे बोल दो मेरे सामने मत आया करें और ना ही मुझसे बात किया करें। भाई क्या हो गया है आपको? आप ऐसे तो नहीं थे। हाँ मैं पागल हो गया हूँ और उसकी वजह ये है। ये वो प्लीज आप कमरे में जाएं। चलो अपने कमरे में चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। खुदाया क्या करूं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन शायद मैं ही नहीं समझ पाई कि मेरी जिंदगी एक बंद गली की तरह है जिसमें खुशियां दाखिल तो होकर रुक नहीं पाती, और धोखा जाए तो जाने का रास्ता नहीं मिलता उन्हें। ऐसा क्यों, क्यों है? सॉरी अहमद भाई, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अरे मैं जानता हूँ वो परेशान है और कुछ भी नहीं है। मैंने भाई को कभी भी इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो चीजें सेटल हो भी पाएंगी कि नहीं? ऐसा नहीं चलता रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस टेंशन नहीं लो, भरोसा रखो मुझ पर। अगर मैं क्या करूं, क्या करूं अहमद? नहीं देखा जाता भाई को भी इतना परेशान। नहीं देखा जाता। मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारी तबीयत और मूड ठीक हो जाए तब भाई से अकेले में बात कर लेना, और मैं फूफो से भी बात करता हूँ कि फिलहाल शिजाद से बात करने की क्या जरूरत है, जबकि उन्हें पता है कि शिजाद का मूड अभी ठीक नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम्हें दवाई लो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ, उसके साथ खा लो ठीक है? ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं। सुनो ये कैसे पीर साहब है, बताया था ना ये बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं कैसे इस मसले से खुद को अलग करूं जिसे मेरा कोई कसूर ही नहीं है? वो देखें हालात से लड़ना और आहिस्ता आहिस्ता अपने हक में तब्दील करना मैंने आपसे ही सीखा है। ऐसा क्या कर दिया अहमद ने कि तुमने उसे ऐसे ज्यादा से बेदखल कर दिया? बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, डिफेंस की सारी खवातीन में बहुत शोहरत है उनकी। अहमद को काबू में कर लेना तब मैं उनको मानूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे बस वो एक नजर देखते हैं और यूं काम मिनटों में हो जाता है। अच्छा यकीन ना आए तो मिसेस हाशमी को फोन करके पूछ लो, उनकी बहू ने भी उनके बेटे को आगे लगाया हुआ था, बस एक नजर देखा है इन्होंने। वो दीने और आज का दीने एक बात को चार चार मरतबा पूछता है माँ से, तब करता है वरना नहीं करता। अच्छा तो तुम उन्हें अंदर ले आओ ना, बाहर क्यों बिठा कर आई हो? अरे मैंने कहा पहले मैं तुम्हें बता दूं कहीं तुम्हारे मुंह से गलत बात ना निकल जाए उनके सामने, बहुत जलाली हैं, जैसा बोले चुप करके सुनती रहना, जाते वक्त जो भी समझा के जाए ना वही करना होगा, फिर देखना तुम्हारे मसले कैसे हल होते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, एक दफा अहमद अपनी फूफो और बीवी के चुंगल से बाहर निकल आए ना तो मैं समझूंगी कि मेरा घर जन्नत बन गया। अरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे
बाबा जी कितने पैसे लेते? ये तो मैं नहीं बता सकती। हाँ इतना जरूर पता है कि एक एक करके अपना मसला बताते रहे। हाँ उसके बाद वो बता देते हैं कि इस मसले पे कितने पैसे लगेंगे, बस फिर आपका मसला यूं हल हो गया। तुम उसकी फिक्र मत करो, आज तो मैंने आजिम की तिजोरी की चाबी भी छुपा दी थी, आजिम को पता ही नहीं लगने दिया। क्या करें, मेरी तो एक ही औलाद है, औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो जितने भी पैसे मांगेंगे ना मैं उनको दे दूंगी। हाँ हाँ भाई, इंसान जिसके लिए कमाता है उस पर खर्च नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? औलाद के लिए तो इंसान बहुत कुछ कुर्बान कर देता है। तो फिर बुलाऊं बाबा जी को? हाँ हाँ बुला लो। सोच लो, किसी भी चीज को मना मत करना। नहीं करूंगी मना, बहुत जलाल वाले बाबा हैं वो। ठीक है तुम बुला लो। ठीक है। क्या करूं, 50,000 ले जाओ। लेकिन बानो तो कह रही थी कि वो कुछ भी मांग लेते हैं, और मना करना किसी बात से। चलो 1,00,000 रुपए ले जाती हूँ। हाय अल्लाह, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। अहमद के अब्बा माफ कर देना, मैं तुम्हारी औलाद की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। एक दफा काबू में आ जाने तो अहमद को ऐसी जगह से बहू लाऊंगी कि तुम्हारी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। सुनो, ये कैसे पीर साहब है? बताया था ना कि बहुत पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये अमल कर रहे हैं, अगर नाराज हो गए तो अमल उल्टा हो जाएगा। अच्छा चलो। तुम्हारा बेटा है? जी। अहमद नाम है ना उसका, और हिब्बा से शादी की है और आजकल ससुराल में रह रहा है। जी ससुराल में रह रहे, पहले अस्पताल में था। अपने ससुराल में रह रहा था, बेटा वापस चाहिए? जी जी पीर साहब, मुझे अपना बेटा अकेला चाहिए। पीर साहब कुछ ऐसा कर दें कि वो हिब्बा से नफरत करने लग जाए। ससुराल से निकालना पड़ेगा, और बीवी से जुदाई भी चाहिए। लाओ पैसे दो। मैं आज शाम दुबई जा रहा हूं, और 10 दिन लग जाएंगे दोनों कामों में। बेटा घर आ जाए ना तो बाकी के पैसे भिजवा देना। अगर बाकी के पैसों में देर की तो बेटा चला जाएगा, और फिर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। खुश रहा करो। अरे ये कैसे बाबा जी हैं तुम्हारे? और वो बताया तो था, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। और वैसे भी अब तुम देखना, ये दुबई जाकर अहमद के लिए अमल शुरू कर देंगे। अरे पूरे डिफेंस में शोहरत है इनकी, अमेरिका कनाडा कहां नहीं जाते ये लोगों के खातिर, और लोगों के काम भी हो जाते हैं। तुम्हें कह के गए ना कि तुम परेशान मत हो और खुश रहा करो। खुश तो मैं हो जाऊंगी, बस मेरा बेटा घर वापिस आ जाए सब कुछ छोड़ छुड़ा कर, और हिबा से नफरत करने लगे, और उस मनहूस
फराना से भी जान छुड़वाए। हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, यकीन करो हसीना। इस बाबा जी को ढूंढने ढूंढाने में मेरे पैसे बहुत खर्च हो गए। हाथ मेरा बहुत तंग है आजकल। देखो मेरे पास तो जितने पैसे थे मैंने बाबा जी को दे दिए। मेरे पास आएंगे ना मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो ना। क्या हो गया? अच्छा हाँ, बाबा जी क्या 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 गए थे? 10 दिन से पहले काम हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी काला जादू करते हैं। देखो हसीना, बाबा जी जो कह के गए ना वो जरूर करना, अगर तुमने नहीं किया ना तो काम नहीं होगा फिर। अच्छा हाँ, और हाँ वो तुम्हें कह के गए ना कि बहुत खुश रहना है। हाँ खुश रहने की मैं कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इस मुश्किल घड़ी में कौन किसी का साथ देता है। अरे हसीना ये तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हारी परेशानी में यकीन करो मैं अपनी पूरी फैमिली भूल जाती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं देख सकती ना। अच्छा सुनो, मेरा एक और भी काम करना, बस तुम बाबा जी के साथ ना रابطے में रहना, और उनसे पूछती रहना कि ये कब तक वो काम करेंगे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। आने तो मैंने सारे आजिम की पसंद के बनाए। बस अल्लाह करे कुछ दिन तक ये तिजोरी ना खोले। हिसाब किताब में भी थोड़े से भुलक्कड़ है। 20-1 हजार रुपए तो मैं घर के सौदे सेल्फ में से बचा लेती हूँ, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। चले देखते हैं। वाह, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? अरे ये खुशबू जो है मेरे ही घर से आ रही है। अरे वाह, अरे वाह मेरी हसीना, अरे गुबार उतर गया दिमाग से, अकल आ गई। हाँ भाई अकल आ ही गई मुझे, क्या करूँ, इतने अच्छे लोगों से नसीब जो जुड़ा है मेरा, ये सब कुछ तो होना था ना। अच्छा चलो छोड़ो बातों को, ये बताओ कि इतनी मेहनत का ख्याल कैसे आ गया? मैंने सोचा तुम्हें तो मेरा ख्याल आता नहीं है, मैं ही तुम्हारा ख्याल कर लूं। अरे आता है ख्याल, बहुत ज्यादा ख्याल आता है, बस तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ इसीलिए ज्यादा बात भी नहीं करता। सारी जिंदगी तुमने बस मेरे गुस्से के डर में ही गुजार दी। अच्छा चलो बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। चले आज मैं आपको डाल के देती हूँ। अरे वाह वाह वाह, ओ हो हो, अरे जी वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? जनाब कहाँ गायब हैं? आजकल तो कोई मुलाकात ही नहीं हो रही। अरे कहाँ गायब होना है वकील साहब, वही काम के झमेले हैं। अच्छा आपसे एक बात करनी थी। जी जी बोले। नहीं मैं आपके घर के पास ही हूँ, अगर आपको कोई मसरूफियत नहीं है तो आए जरा चलते हैं कहीं, एक प्याली चाय हो जाए इकट्ठे। हाँ नहीं मसरूफियत तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर क्यों जाए, आप आए ना मैं चाय बनवाता हूँ। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं, बस आप आ जाएं। हसीना मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, वकील साहब आ रहे हैं। ओहो एक तो ये औरत घोड़े बेच के सोती है। अब सोई नहीं अब तक? अहमद तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं कहाँ इतनी जल्दी सोती हूँ। हाँ सुबह अंकल ही बता रहे थे कि आज वो लेट आएंगे। हाँ वो कोई मीटिंग अटेंड करनी थी, उसके बाद डिनर भी था। हिबा क्या कर रही है? सो गई है। आज पूरा दिन उसकी तबीयत नहीं सही रही, शाम को भी काफी अपसेट लग रही थी। हाँ और शायद आप लोग चाहते भी नहीं कि उसकी तबीयत ठीक रहे। मतलब? मतलब तो आपको समझना चाहिए ना। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं समझ आती? मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ, मगर आपको और अंकल को हिबा के दुख को भी समझना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं जानता हूँ, और अगर आप ये सब कुछ समझते हो तो आप शहजाद से बात नहीं करती, क्योंकि शायद अगर शहजाद की जगह मैं होता तो शायद इससे ज्यादा रिएक्ट कर जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं क्या करूं अहमद बताओ,
मैं कैसे इस मसले से खुद को अलग करूं जिसे मेरा कोई कसूर ही नहीं है। वो देखें, हालात से लड़ना और आहिस्ता आहिस्ता अपने हक में तब्दील करना मैंने आपसे ही सीखा है, और मैं जानता हूँ आप बहुत सोच समझ के अपना हर फैसला करती हैं, इसलिए आपके हर फैसले में मैं आपके साथ होता हूँ। बस थोड़ा हालात के मुताबिक खुद को ढालें और सोच समझ कर फैसला करें। ठीक है, जब तक शहजाद और शुजात की रिलेशनशिप सही नहीं होती मैं शहजाद से कुछ नहीं कहूंगी। और हाँ, शायद अंकल के समझाने से शहजाद बेहतर तौर पर समझ सके। अहमद, आई एम रियली सॉरी। तुम लोगों की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे फैसले की गलत टाइमिंग से सफर कर रही है। रियली सॉरी। आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर शहजाद ने आइंदा आपसे बदतमीजी की तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अहमद, मैंने कहा ना, मैं शहजाद से कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुम कोई ऐसा कदम उठाओगे जिससे शुजात को गुस्सा है। ठीक है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाओ और हिबा को बहुत खुश रखो। ठीक है, चलता हूँ मैं। जी वकील साहब, कैसे याद आई हमारी आज? यार, ये जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, ये जब किसी दोस्त को गलत फैसला करते देखते हैं तो उसके पास ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे मैं तुम्हारे पास पहुंच गया हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने एजुकेट सरफराज के जरिए अहमद को जायदाद से बेदखल कर दिया। हाँ, बस वो मैंने यार, तुमने मुझसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा, हालांकि तमाम कानूनी काम तुम मुझसे पूछ कर करते। अरे नहीं नहीं वकील साहब, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप यकीन जाने आप तो भाइयों से ज्यादा हैं मेरे लिए। तभी तो तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा ऐसे अहम काम के लिए मुझे। भाई वो तो एडवोकेट सरफराज 10 लोगों में बैठ के जता कर ये बात कह रहा था। हाँ, वो बस मैं यार देखो, मैं तुमसे कोई आदम गिला शिकवा करने नहीं आया, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि अहमद ने ऐसा क्या कर दिया कि तुमने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। हाँ वो तो है। देखो यार, फैसला तुम्हारा अपना है, लेकिन जहां तक मुझे खबर है अहमद इतना अच्छा लड़का है कि लोग ऐसी औलाद के लिए दुआएं मांगते। हाँ वो तो है। ऐसा क्या कर दिया अहमद ने कि तुमने उसे ऐसे जायदाद से बेदखल कर दिया? वकील साहब, दरअसल उसकी माँ थोड़ी सी नाराज है उससे। ओह, ये बात है। अगर मैं एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, अहमद ने शादी तुम लोगों की पसंद से की थी ना? हाँ, वो तो सबकी पसंद की थी। और सब लोगों की राय थी कि तुम बहुत अच्छे घर से बहू लाए हो। हाँ ये भी है। अरे तो अहमद बेचारे को क्यों ऐसे अलग कर दिया? वकील साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बस कुछ मजबूरियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। चलो ठीक है, तुम बता नहीं सकते तो मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब औलाद नई जिंदगी शुरू करती है ना, तो रिश्तों में तब्दीलियां आती हैं, और ऐसे वक्त में माँ अक्सर फैसलों को कबूल नहीं करती, लेकिन बाप का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए उन फैसलों में, अगर वो घर को और रिश्तों को बचाना चाहता है तो। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, कहीं ऐसे उल्टे सीधे फैसलों में उसे खो ना देना। बस वकील साहब, दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। चाय लेना आप। शुजात, आप नूशे को वापस ले आए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं 3 दफा उसने बदतमीजी की हमारे साथ। अच्छा देखो, तुम उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिसमें बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। मैं भी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खुद उस औरत को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। Oh, oh, oh.
फरा, क्या बात है, आप सोई नहीं? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा किताब ही पढ़ लूं। अच्छा, तो अगर आपने किताब ही पढ़नी थी तो वो हमारी लाइब्रेरी है ना ऊपर, आप वहां चली जाती, बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है मेरी। आपने खुद ही तो कहा था आप पर्सनल टूर देंगे। Yes, that's true. हमने आपको बिल्कुल ये कहा था। दरअसल हम चाह ही रहे थे कि हम जो कुछ लिखे वो आप पढ़ भी लें, हमारी तसी हो जाएगी। जी। और दिन कैसा गुजरा? ओके। क्या बात है मेरा, कुछ हुआ है क्या? Are you sure? Yes. क्या बात है, बताइए ना, कोई बात हुई है क्या? बातें तो होंगी ना शुजात, आई मीन जो फैसला हमने किया है वो हमें तो सही लग रहा है, लेकिन बाकी सबको बहुत अजीब। ठीक है, बस कल की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट और वीक है। पर आप साफ साफ बताएं क्या हुआ? बस वो कल आपके जाने के बाद शहजाद थोड़ा सा हाइपर हो गया था। उसने हिबा से कुछ कहा या आपसे? किसी के साथ नहीं। फरा, आप हमें साफ साफ बताइए, आपसे बात की उसने या हिबा से? गलती मेरी थी, आप जॉगिंग के लिए गेट से निकल गए थे और वो सीढ़ियों से आ रहा था तो मैंने उसे पूछ लिया। गलती शायद हमारी है शुजात, हमें ये करने से पहले सोचना था कि शायद बच्चे हमें गलत समझे। शहजाद नहीं आएगा। शुजात प्लीज, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे? हम बात करेंगे उससे, हम उनसे बात करेंगे और उनको सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं, इस तरह के रवैयों के ना वो आदि हैं और ना हम, ऐसे ही हालात रहे तो फिर कैसे चलेगा? अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको पता है इसका क्या मतलब निकलेगा? क्या क्या मतलब? शहजाद मेरे लिए और नेगेटिव हो जाएगा, उसे लगेगा कि वो सारी बातें जो वो सोच रहा था वो सही हैं। अरे तो हम क्या करें, किस तरह सही होंगे ये मामला? शुजात मुझे लगता है कि मैं बहुत मोहतात होकर सेंसिटिवली इस इशू को हैंडल करना होगा। लेकिन क्या शुजात, मुझे लगता है कि शहजाद को समझाने से बेहतर होगा कि हम अनुषी को समझाएं। कैसे? अनुषी मेरी वजह से घर छोड़कर गई है ना। हाँ, लेकिन ये तो उसकी गलती है। अगर हम बच्चों को नहीं समझाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा, उनको तो लगता ही नहीं कि उनकी गलती थी। तो फिर क्या करें हम? शुजात आप अनुषी को वापस ले। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं 3 दफा उसने बदतमीजी की हमारे साथ, मिसबिहेव किया, उसके बाद कैसे लेके आया मुझे? शहजाद को काम डाउन करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, अनुषे अनुषे बात समझेगी। नहीं, इतने इंसल्टिंग वे में बात की उसने आपसे, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सके। प्लीज शहजाद, हमें बच्चों को समझाना होगा ना, वो ज्यादा सेंसिटिव है। कैसे समझाएं? एक गलती तो हम कर बैठे ना, शहजाद को शादी से पहले एतमाद में ना लेकर, अब हम एक और गलती नहीं कर सकते। आप मेरी खातिर एक बार कोशिश करके तो देखिए। आप क्या समझती हैं फरा, अगर मैं आपकी बात मान जाता हूं और इनकार कर देते हैं वो, तो जगह बन पाएगी इस घर में अनुषे के लिए? आप कोशिश तो कीजिए, नेगेटिव मत सोचे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें, हमें लगता तो नहीं है कि इन बातों पे अमल करके कोई मामलात या हालात ठीक हो जाए, लेकिन चलें, आपके कहने पे करते हैं, हमें सुबह से बात करेंगे उनसे। इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बच्चे हमारी इज्जत भी करेंगे। इंशाल्लाह। मॉम, मॉम, क्या हो गया सुबह सुबह? मॉम, वो शहजाद के डैड की कॉल आई थी। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं उन्होंने मुझसे कुछ बात करनी है। तो तुम फोन पे बात कर लेती,
मैंने कहा था लेकिन वो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अब आ रहे हैं तो बात कर लेना। क्या शहजाद भी साथ आ रहा है? मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, तुम उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिसमें बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। मैं भी कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खुद उस औरत को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। उनसे कोई भी बात करो तो कह देना मैं मॉम से पूछकर आपको जवाब दूंगी। ओके। पता नहीं अब क्या सोचकर आ रहा है ये बुड्ढा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। बेटा इस तरह कोई अपना घर छोड़ के आता है? वो घर तो मेरा है ही नहीं, वो तो सडनली किसी और का हो गया। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं मुझे। आप उसको अपना घर समझती हैं या नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि वो हम सबका घर है। I'm sorry to say this uncle, मगर मुझे जो रियलाइज करवाया गया मैंने उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लिया है। लेकिन बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो जाती है अपनों। Come on uncle, आपकी शादी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना? लेकिन मुझे बेटा हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, बस समझा सकते हैं। आप हमारे साथ वापस घर चलिए, वहां जाके डिस्कस करेंगे हम इन मामलों को। और I'm sorry uncle, मगर फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बड़ों के फैसलों को एकदम रिजेक्ट नहीं करते मुझे। अंकल आप प्लीज मुझे सोचने का वक्त दें, मैं फौरन से कोई फैसला नहीं ले सकती। अच्छा चले, ऐसा तो हो सकता है ना कि आप शहजाद के साथ कुछ दिनों के लिए दुबई चले जाए। व्हाट, वापस चले जाए? हमने जो सुना है और जो समझा है, हमें अंदाजा है कि आपकी और शहजाद की खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट हम है, सबसे बड़ा बोझ है हम आपके। जी क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं अनुज, अगर हमने सही समझा है सही सुना है तो हम जानते हैं कि आपकी और शहजाद की खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट हम है। तो हम चाहते हैं कि आप और शहजाद दोनों बहुत खुश रहे। शहजाद को बता दीजिए कि उसकी रुकावट दूर हो गई है, हम आपकी और शहजाद की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी शहजाद की और अपनी जिंदगी को तमाशा ना बनाएं। आप हमारे और फरहाना के साथ नहीं रहना चाहती तो वापस दुबई चली जाए। एंड आई स्वेयर, एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसकी औलाद खुश हो। अपनी बेटी को समझाइए, आप उसे कहिए कि कई कई जिंदगियों से खेलने वाले आखिर में तन्हा रह जाते हैं। शहजाद को उसकी जरूरत है, अब उसे कहिए कि हमारी वजह से अपनी और अपने शौहर की जिंदगी तबाह ना करेगा। अनुषा। हेलो शहजाद, तुम मेरा फोन क्यों पिक नहीं कर रही हो? क्यों छोड़कर चले गई तुम मुझे इस तरह? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? शहजाद तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बट यू सी इट्स आल्सो नॉट माय फॉल्ट। वो तुम्हारे डैड आए थे। What? Dad, तुम्हारे घर पर आए थे? हाँ, वो अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। And you know what? उन्हें अपनी शादी के ऊपर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि वो उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती तो इसीलिए उन्होंने शादी कर ली।
अब तुम ही बताओ, मैंने कभी ऐसी कोई बात बोली है? You mean, डैड तुम्हारे घर पर आए थे और उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की? Exactly. मैं उनकी केयर करना चाहती थी, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि हम लोग सब मिल के रहें हंसी खुशी। मैं उनका ख्याल रखूं, सारे घर का ख्याल रखूं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा है, बल्कि तुम तो उनकी बहुत केयर करती हो। मगर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम लोग वापस दुबई चले जाओ। उन्होंने ये कहा कि हम लोग वापस चले जाएं? हाँ, उन्होंने यही कहा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुषा, तुम मिल सकती हो मुझसे, क्योंकि अब मैं कोई फैसला करना चाहता हूं। डैड रोज आना मुझे एक सरप्राइज दे रहे हैं, अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। I want to meet you first. Okay, आ जाओ। At your place? हाँ, यहीं आ जाओ। Okay, I'm coming. Okay, I'm waiting. अकल पर चलना है ना, तो तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। कम ऑन मॉम, प्लीज आप नाराज मत हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो और क्या करूं मैं? चंद दिन जो मैं चाहती हूँ वो मुझे करने दे मॉम। क्योंकि मेरे तजुर्बे में जिंदगी बहुत तल्ख रही है, जब ना आपको किसी की जरूरत हो और किसी को आप ही की जरूरत ना हो, तब जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, सजा बन जाती है। 1.5 लाख रुपए गायब है, वो बताती हो या किसी और तरीके से पूछूं मैं? बताती हूँ जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी?